मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिल्ली एनसीआर के कुछ स्पेशल रिपोर्ट की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में दिव्यांग सेना के लोग यहां पर मौजूद हैं और ये लोग आज अपनी 12 तारीख को होने वाली जो जंतर मंतर पर ही रैली है जहां से पार्टी की लॉन्चिंग करेंगे, ये एक राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे, उसके लिए यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलने पहुँचे हैं। तो वासुदेव बादल जी हैं जो इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे जानेंगे क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह से पार्टी को लॉन्च कर रहे हैं ये लोग। फरवरी 12 तारीख को यही ऐतिहासिक जंतर मंतर पर अपना पार्टी का राष्ट्रीय दिव्यांग सेना का हम लॉन्च करने जा रहे हैं और पूरा देशवासी दिव्यांग को आह्वान करते जो हजारों संख्या में यहाँ पहुंचे और अपना दिव्यांग सेना को आगे बढ़ाए। क्या क्या मुख्य विषय है इस पार्टी को लॉन्च करने की, किन किन आधार के साथ आप पार्टी का जो है लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, किन किन मांगों के लिए आपकी पार्टी लड़ेगी, किस तरह से लोगों को आपकी पार्टी के जरिए फायदा होगा? देखिए, हम मेन चीज ये हमारी दिव्यांग की लड़ाई है। दिव्यांग को आज तक कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी कुछ तजुर्बा नहीं दे रहे। 2019 का जो चुनाव है सर, 12 से लेकर अभी तक हम लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन 6 साल हो गया 7 साल हो गया अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रहा। इसलिए 2000 चुनाव हम लड़ेंगे। 1000 में एक भी पागल हो जाता है तो दुनिया उसी को देखता, अब यह 9000 करोड़ पागल हो जाएंगे। और तब चुनाव में जब तक हम वोट नहीं देंगे, एकता नहीं दिखाएंगे, तो दिव्यांग का कोई तजुर्बा नहीं देगा। इसलिए हमने 12 तारीख को यहाँ पर जनता ऐतिहासिक जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे और सारे दिव्यांग को अनुरोध करता हूँ आपकी चैनल माध्यम से ज़्यादा से यहाँ पहुँचे और उस दिन दिव्यांग एकता दिखाइए। तो सिर्फ दिव्यांग जो आपके कैंडिडेट होंगे उनमें सिर्फ दिव्यांगों को ही रखेंगे या शारीरिक रूप से ठीक लोग भी हो सकते हैं? नहीं, दोनों रखेंगे। हमने मेन जो हमारी है दिव्यांग को हम वोट के लिए अप्लाई करेंगे और उसमें सकलांग भी होंगे, विकलांग भी होंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। संदेश क्या है आपका? संदेश यही है जी, जब तक एकता नहीं देखा होगा, जो मेजोरिटी नहीं देखा होगा, कोई हमारे दिव्यांग की नहीं सुनता, कोई गरीब की नहीं सुनता, कोई किसान की नहीं सुनता, ये अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे नेता। एकता बनाइए, एक मेजोरिटी बनाइए और अपना हक की लड़ाई लड़िए। पार्टियां कई बनी और कई मांगों को लेकर बनी, हम आएंगे सत्ता में तो ये पूरे करेंगे। कांग्रेस कहती है किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, बीजेपी कहती है रोजगार इतने कर देंगे, हम भी किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन वो सब जो है बिल्कुल आप कहेंगे मुद्दाविहीन हो जाती है। आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली को, बेहतर सुविधा, वाईफाई, पता नहीं क्या क्या वादे किए थे उस टाइम में। आप लोग भी नई पार्टी बना रहे हैं, नई नई डिमांड है, नए नए सोच हैं, क्या उन सबको पूरा भी करने की कोशिश रहेगी? अगर जी, जरूर पूरा करेंगे। देखिए, एक दिव्यांग ही समझ सकता, जब दिव्यांग पादल में चलता नीचे घिसड़ता नेता, अगर को राजनेता का अधिकारियों की उनको बच्चों को पता नहीं होता जब दिव्यांग नीचे चलता। हम दिव्यांग होने तक हमारी दिव्यांग दर्ज हम समझते, इनको किसी दूसरा के पार्टी का, कि इनको जो नेता बन के आते, स्टार बन के आते, स्टार से नेता बना दिए, बदमाश से नेता बना दिए, उनको तजुर्बा नहीं है जो दिव्यांग साथ क्या परेशानी है, गरीब क्या होती है, रोटी क्या होती है, हम सब भोग चुके हैं। इसीलिए ये सब ठीक है। दूसरी चीज है, एक पार्टी बनाने के लिए कोई फेमस फेस चाहिए, कोई एक्टर चाहिए, पैसे वाले लोग होने चाहिए, आप में वो क्या क्वालिफिकेशन है या किस तरह से आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों को जनता का प्यार मिलेगा, कुछ तो दिखना चाहिए ना? देखिए, जनता का प्यार हमारे को इसलिए मिलेगा क्यों हमें दिव्यांग है। दिव्यांग को सब जितना भी है हिंदुस्तान में कोई ना कोई दिव्यांग को मदद करता ही है, कोई करे नहीं करे। हम 9 करोड़ दिव्यांग है, हमारी 5-5 सदस्य 45 करोड़ दिव्यांग के साथ जब वोट मिल जाएगा तो आवाज इससे ही ज्यादा है। हमारे को यही चाहिए, हमारे को किसी हमदर्दी नहीं चाहिए, किसी 1 रुपया नहीं चाहिए, बस अपना खुद ही वोट और 5 वोट अपना परिवार की। कोई परिवार के नहीं जो अपने दिव्यांग बेटा को मदद नहीं करता, भाई को मदद, बहन को मदद नहीं करता, बस हमारे अपने चाहिए। और जो भी समाज में हमारी दिव्यांग प्रति सहानुभूति रखते हैं, हमें उसकी सपोर्ट चाहिए। जंतर मंतर पे जो आज हम समस्त दिव्यांग सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी और माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रोग्राम का आयोजन जो किया जा रहा है, इसके माध्यम से हम देश को संदेश देते हैं कि 12 जनवरी को जो हमारा दिव्यांग हुंकार महासभा का जो आयोजन किया जाएगा, जिससे पूरे देश के दिव्यांग व समाज व अधिकार से वंचित इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और कई सारे गेस्ट हमारे आ रहे हैं, कवि, कलाकार और कई दिव्यांग जन जो अपने ऑल ओवर वर्ल्ड से फेमस कलाकारी दिखाने के लिए और अपना फैशन शो और डांस और कई सारे कवि हमारे इस प्रोग्राम में भी उपस्थित हो रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और जो राष्ट्रीय दिव्यांग सेना का जो गठन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि दिव्यांग व समाज से अधिकार से वंचित जो व्यक्ति है, उनका अभी तक
2012 से हम लोग संघर्ष करते आए हैं, अभी तक सरकार की नीतियों के अनुसार, सरकार के विभागों के अनुसार, पार्टियों के अनुसार अभी तक हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे कि हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय दिव्यांग सेना एक राजनीति के मैदान में घोषणा करेगी। तो आप देख रहे हैं नन्हे लाल जी का ये कहना है कि जो लोग अधिकारों से वंचित रह जाते हैं उनके लिए इस पार्टी का गठन हुआ है और वो पार्टियाँ उस आधार पर काम कर रही है। मैडम हमारे साथ हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने जो इस पार्टी का गठन किया है, आपने जो अरेंजमेंट की है, किस तरह से कितने लोगों के आने की उम्मीदें हैं और खासकर महिलाओं को किस तरह से जोड़ना है? नमस्कार, मैं नीरू सहगल सोशलिस्ट, मैं दुनिया को सोशल एंगल से जोड़ने का काम करती हूँ और मैं पिछले काफ़ी टाइम से ये देख रही हूँ, मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ और सिर्फ सोशल कॉजेज पर बेस्ड इवेंट्स करवाती हूँ और मैं पिछले 3 सालों से ये देख रही हूँ कि दिव्यांग्स को सब अपने प्रोग्राम में बुला लेते हैं, उनसे फैशन वॉक करा लेते हैं, बस उनको एक सर्टिफिकेट थमा देते हैं, लेकिन उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इनके लिए कोई भी इनके फेवर में कोई डिसीजंस, कोई पॉलिसीज़ नहीं बनाई है और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे RDS का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया लगा, जिसका नाम है RDS राष्ट्रीय दिव्यांग सेना। और मैं नन्हे लाल जी से मिली और मैं वासुदेव जी से मिली, सुनील अग्रवाल जी से मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा इनका कॉन्सेप्ट कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि इनके अधिकारों के लिए लड़ेगा। सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करा देना, कल्चरल प्रोग्राम्स करा देना, इनको अवार्ड करा देना, क्या इन चीज़ों से इनका घर चल पाएगा? आप कहाँ रहते हैं और इस संस्था से कैसे जुड़े और क्या लग रहा है आपको, कैसा रहेगा? जी, मैं चौधरी आबिद हसन। सबसे पहले तो मैं अपने वसुदेव बादल जी जो हमारे अध्यक्ष साहब हैं उनका धन्यवाद करूँगा, जो कि मुझे भारतीय दिव्यांग सेना में एक अपना पदाधिकारी समझने का सम्मान दिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 12 फरवरी को होने वाले जो हमारी एक पुकार रैली होने वाली है दिव्यांग की, उसमें हम सब मिलकर एक सहयोग करेंगे, हम सब उसे ऊपर तक ले जाएंगे, एक पार्टी का रूप देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? मैं अजीत कुमार सिन्हा सबसे पहले मोबाइल 24 का वेलकम करता हूँ और हमारे अध्यक्ष जी हैं बादल जी और नंदीलाल जी और सागर जी को मतलब अपने दिल से नमस्कार करता हूँ, जो कि मतलब जो हमारे अब मैं सीधे पॉइंट पे आऊँगा, जो हमारा 12 जनवरी को लोकसभा जो इलेक्शन होगा यहाँ पर जो हमारी पार्टी बनी है उसके रिलेटेड यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया जाएगा, जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसके रिलेटेड। संक्षिप्त में क्या लग रहा है आप लोगों को कि पार्टी को उस तरह का प्यार मिलेगा जैसे दूसरी पार्टियों को मिलता है? जो दूसरी पार्टियों को जो लोगों के जितना तिरस्कार मिला है ना, उससे भी ज़्यादा राष्ट्रीय दिव्यांग सेना को प्यार लोगों का मिलेगा। उसकी मुख्य वजह यह है कि हमारा देश का नागरिक संपूर्ण जीवन देश के लिए कमाता है, टैक्स भरता है, पूरा ये देश का जो रोड जो भी कुछ है देश के जो टैक्स से ही होता है देश के लिए, और जो जीवन के अंतिम चरण में उसको एक सम्मानजनक पेंशन पाने का भी अधिकारी वो होता है पूरी उसको केवल 300 से 400 रुपये हमारे जो 60 साल उम्र का जो इंसान है आम नागरिक है उसको केवल 400 रुपये पेंशन दी। देख रहे हैं आप यहाँ पर दिव्यांग सेना के जो लोग हैं उन लोगों की जो डिमांड है और जिस तरह से इन्होंने अपना मोटिव बना रखा है कि कुर्सी पर बैठने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके हाथ और पैर सही सलामत हो, कुर्सी दिमाग से चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं राज कुंद्रा। दिल्ली के जंतर मंतर पे आसाम के जो है लोग ST में शामिल करने की अपनी मांग को लेके दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए क्या क्या इनकी मांगे हैं जिनके वजह से आसाम से दिल्ली के जंतर मंतर पे जाने। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवजीत राय है, हम आसाम से है। हमारा जो डिमांड है वो बहुत दिन से हम लोग ST का डिमांड कर रहा है, लेकिन जो भी सरकार है हम लोग कांग्रेस या BJP दोनों सरकार हम लोगों को सिर्फ झूठा वादा देता है लेकिन वादा नहीं निभाते हैं। पिछले 2014 में नरेंद्र मोदी हमारे आसाम में गया था चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए, वहाँ पे बोल दिया था कि अगर हम BJP सत्ता में आ गया तो 6 महीने के अंदर अंदर हम आप लोगों के शेड्यूल ट्रैप कर देंगे, लेकिन अभी 5 साल बीत रहा है लेकिन हम लोगों का डिमांड अभी तो फुलफिल नहीं किया है। इसलिए हम असम से BJP गवर्नमेंट को बोल देता है कि अगर हमारा मांगे नहीं पूरे करेंगे तो 19 का जो लोकसभा चुनाव है उस हम असम का BJP के खिलाफ हम नारा लगाएंगे। ST में शामिल करने की मांग आप लोगों की क्यों है, क्या वजह है जो आप लोग ST में शामिल करने की मांग कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आप गवर्नमेंट सेंचुरी क्यों बनाते हैं, टाइगर या राइनो को क्यों संरक्षण दे रहा है, क्योंकि वो जीव जंतु
धीरे धीरे से विलुप्त हो जा रहा है। इसलिए हम भी आसाम का ऐसा एक भूमिपुत्र है, सोयल ऑप्शन, हमारा जनसंख्या धीरे 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 घट रहा है। हम लोगों का हम आसाम का राजनीति में कोई हमारा संरक्षण नहीं है, इकोनॉमिकली हमारा संरक्षण नहीं है। इसलिए हम इंडिया गवर्नमेंट के डिमांड कर रहा है, हम लोगों का शेड्यूलिंग टाइप कीजिए और हमारा जो जनगोष्ठी है उसको बचा लिए। टेस्टी में सर, हम लोग का जो है हम लोग का वादा निभाना है, हम लोग का जो हम लोग का लड़का बच्चा का पढ़ाई के लिए शिक्षा के लिए हम लोग का सुविधा नहीं है, इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहा हूँ एसटी को, हम लोग का एसटी में सारा को डिमांड देना चाहिए। मैं कोकराझार लोकसभा का एमपी नव कुमार सोनिया हूँ और हमारा जो केआरएसएस का टीम यहाँ आया है, स्पेशली उनका मांग है कोकराझार से लोगों को एसटी बनाया जाए और कोमतापुर चाहिए, क्योंकि पहले असम में इंडिपेंडेंस से पहले कोकराझार था, राज्य था और बहुत सारा उनका नाम था और पावरफुल था, लेकिन आज का डेट में ये उन जो जनगोष्ठी है उसका सब में ख़त्म हो गया है ना, उसका इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सब 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 साइड में, एजुकेशनली सब साइड में, और उनका जो एरिया था पहले का उसमें अभी बीटीएडी बन गया है, और पहले बीटीएडी बरोका नहीं था, उसमें बीटीएडी बनाया गया है, और उन लोगों से बहुत सारा वादा किया था, कोई किसी ने निभाया नहीं था। तो बीजेपी वाला जो गवर्नमेंट एमपी इलेक्शन में भी और असेंबली इलेक्शन में उन्होंने वादा किया था उनको एसटी करेगा, लेकिन किया नहीं। और ऐसा पैसा चलाया गया था लास्ट टाइम कैबिनेट में 4 दिन पहले जो उनको एसटी मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं, इसलिए सारा लोग यहाँ पे आया हुआ है और उनका लॉन्ग डिमांड है। और 96 में कोई एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसको एसटी में लाया गया था, लेकिन वो संविधान में ये बिल पास नहीं हुआ, इसलिए वो हो नहीं पाया। तो इसलिए सबको मांग है जल्दी से जल्दी उसको होना चाहिए और स्पेशली इलेक्शन से पहले होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवेश राय है। मैं जी, जब मोदी की सरकार बनने वाली थी उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, तो क्या लगता है आसाम वालों के लिए दिन आए? हाँ, ऐसा ही बात है। जो नरेंद्र मोदी जो पहले वो चुनाव था, चुनाव में आसाम में आया, आके बोला था कि अगर हम लोग सत्ता में आए हम लोगों को आप लोग सपोर्ट करो, वोट दो, उसके बाद आप लोगों को जो जो प्रॉब्लम है तो सिक्स कम्युनिटी के लेकर असम का जितना प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, सॉल्यूशन करेगा। लेकिन जब वो लोग सरकार में आया, जो सत्ता में आया, इंक्लूडिंग कोसराजमुखी पीपुल्स, जो एसटी जो शेड्यूल टाइप के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मतलब अभी भी पूरा नहीं किया। लास्टली जो 2 जनवरी कैबिनेट जो बैठक हुआ है, कैबिनेट जो पार्लियामेंट्री जो बैठक हुआ है, उस बैठक में हम लोग बहुत वेटिंग में था कि इस बार जरूर हम लोग मांग है इस बार पूरा करेगा, लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ। हम लोगों को अभी अच्छी तरह मालूम हो गया कि जो ये मोदी नेतृत्व जो बीजेपी सरकार है ये लोग बिल्कुल मिसलिया है, इन लोगों का काम नहीं चलेगा। इसलिए आने वाला जो चुनाव है असम का लोकसभा चुनाव, इससे असम से बीजेपी सरकार बीजेपी को हम लोग हटाने के लिए बिल्कुल हम लोग इंक्लूडिंग कोकराझार पीपुल सिक्स कम्युनिटी हम लोग साजू है बीजेपी के लिए हटाने के लिए। इस बार जरूर बीजेपी को हम लोग सत्ता से इस बार हटा देगा आसाम से। कोई और आपकी तरफ से मैसेज मोदी सरकार को कि अगर आपकी मांगे फिर भी पूरी नहीं हुई आज के धरना प्रदर्शन के बाद भी, तो अगला कदम आप लोग क्या ना? वही आज के बाद अगर हम लोगों को जो मांग है, अभी जो पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है, तो हम लोग मोदी सरकार अपील कर रहा है कि जल्द से जल्द हमारा जो मांग है ये पूरा करो। आप जो प्रतिश्रुति दिया है आसाम में जाकर वो प्रतिश्रुति पूरा करो, और अगर नहीं करेगा तो हम लोग ऐसे चुपचाप बैठ के नहीं रहेगा। आने वाला जो चुनाव है, इस चुनाव में मोदी जी को हम ईंट के जवाब पत्थर से देगा। आसाम के लोग इस बार जो है बिल्कुल मोदी सरकार पे खौफ खाई हुई है, और जो है पूरा का पूरा बताया जा रहा है कि 2019 का चुनाव जो है बिल्कुल अगर इनकी मांगे नहीं मांगी गई तो इनको जो है हटा दिया जाएगा। लेकिन हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं जो कि मोदी सरकार ने अगर आपकी मांग नहीं मानी तो आने वाले चुनाव में क्या मोदी सरकार को वोट देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। वजह हम लोग का जो डिमांड है एसटी कमतापुर, अगर वो नहीं पूरा करेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। नहीं, मोदी जी को नहीं वोट देंगे। जो हमारा कमतापुर है जो एसटी है, अगर जो प्रतिश्रुति दिया है बनाई गई में असम में जाकर और पूरा नहीं किया तो
इस बार इस धरना फंसा कर हम पूरा आंदोलन करेंगे, मोदी जी को नहीं वोट देंगे हम। आसाम की गुस्सा जो है साफ जाहिर नजर आ रहा है, अगर मोदी सरकार ने इस बार अगर इनकी मांगे नहीं मांगी तो इस बार जो है मोदी सरकार आसाम से भी चली जाएगी। क्या होगा वो तो आने वाला कल आपको बताएगा। फिलहाल कैमरामैन अनस के साथ मैं राज कुंद्रा, दिल्ली जंतर मंतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और आपने देखा होगा आए दिनों किसानों के हित की बात करने के लिए तमाम सरकारें तत्पर है। तमाम सरकारें ये दावा करती है कि हमारी शासन में हमने किसानों को बेहतर सुविधा दी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पार्टी ही बना दी गई है, जनहित किसान पार्टी। तमाम कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष सब मौजूद हैं और इनसे आज जानने वाले हैं हम कि किसानों की जो दयनीय हालात आज भी विद्यमान है हमारे देश में, जिस तरह से किसान आत्महत्या करने के लिए आज भी विवश हैं, तो इन्होंने क्या मोटिव, किस सोच को लेकर इस पार्टी का गठन किया है। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24। देखिए क्या है मुख्य डिमांड और किस तरह से आप लोग जो है किसानों के उत्थान की बात कर रहे हैं। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और पान से भी भारत की पहचान है, तो जो पान किसान है वो आए दिन परेशान है, आत्महत्या भी करते हैं, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार का कोई सब्सिडी नहीं दे रही है। और रही बात पार्टी बनाने की, कि जो भी राजनीतिक दल हैं आज तक जो सत्ता में आए, चाहे संघर्ष कर रहे हैं, चौरसिया समाज को टिकट नहीं इन लोगों ने दिया। पूरे भारत में चौरसिया समाज का कोई सांसद नहीं है। चौरसिया समाज को अति पिछड़े में शामिल किया जाए, अन्य भी समाज के जो भी लोग हैं उनको उनकी स्थिति के हिसाब से आरक्षण दिया जाए, उस पर कोई राजनीति न किया जाए, क्योंकि आरक्षण बहुत ही एक ज्वलंत मुद्दा है। उस पर जो भी अगर किसी का हक मारेगा तो लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपने मोटिव रखे हुए हैं, इस तरह की डिमांड कई सारी संस्थाएं पहले से कर रही है, आप क्या नया करने जा रहे हैं? चौरसिया समाज की बात कर रहे हैं आप, किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों के लिए स्पेशली क्या है आपका मोटिव, किस तरह से नई सोच नई उम्मीद से आप पर किसान विश्वास करें? देखिए नई सोच का मतलब, आज तक पान किसानों के लिए कोई भी आंदोलन नहीं किया है, जंतर मंतर पर ये पहला धरना है। और पान किसान सिर्फ चौरसिया ही नहीं है, अन्य अन्य समाज के लोग, सब लोग पान का व्यवसाय करते हैं, पान की खेती करते हैं, और उन सबों के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। शुरू हो गई ये लड़ाई, और पान को राष्ट्रीय पौधा घोषित किया जाए, कृषि का दर्जा दिया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर पान विकास निगम का गठन हो, तो ये सब हमारी मांगे हैं। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट, और ऐसे ही रिपोर्ट को जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।